हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एके। तो फ्रेंड्स, आप टाइटल और थंबनेल से तो समझ गए होंगे कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ फतेहपुर सीकरी, और अभी मैं रास्ते में हूँ। तो अभी घर से निकल चुके हैं करीबन 60 किलोमीटर के समथिंग, अभी मैं घर से आ चुका हूँ। और रास्ते में रुका था तो सोचा आपसे थोड़ी बातचीत कर लें। अभी सुबह का टाइम है, अभी 11 बज चुके हैं, और साथ में मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ में मेरा फ्रेंड जा रहा है ऋतिक। तो अभी चलते हैं और आपको चल के वहाँ का थोड़ा बहुत व्यू दिखाते हैं और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे। फ्रेंड्स, अभी आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे पे। आपको पीछे दिख रहा होगा, इसकी हाइट है 176 फीट, और कुछ बैकग्राउंड ऐसा है यहाँ का। अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर से। फ्रेंड्स, अभी आ चुके हैं अंदर और फतेहपुर सीकरी में आप पूरा व्यू देख सकते हो। अभी फतेहपुर में है, सीकरी में नहीं है हम लोग, क्योंकि अभी बुलंद दरवाजा घूमने के लिए आए थे। और पीछे कुछ इस तरह का व्यू है, आप देख सकते हो। और इधर है ये मेरे, इधर इस साइड है ये जामा मस्जिद, उसको बोला जाता है। और इधर है सलीम चिश्ती की दरगाह है ये। फ्रेंड्स, आपको ये दिख रही है पीछे बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह है। इसमें लोग अभी भी अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए अंदर जाते हैं। तो कहा जाता है ऐसा कि मन्नतें पूरी होती हैं। तो अभी चलते हैं इस साइड और इसको इस साइड आपको चल के जामा मस्जिद का थोड़ा अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया, ये थी इधर जामा मस्जिद और इस साइड है अपनी ये सलीम चिश्ती की दरगाह। कहा जाता है कि इधर मन्नतें पूरी होती हैं। तो अभी आगे चलते हैं और कुछ, थोड़ी भूख लगी है तो सोचा कि बाहर कुछ जाके आए और खाएं कुछ थोड़ा। फिर घूमते घूमते काफी देर हो गई हमें, और अभी चलते हैं बाहर, तो मिलते हैं आपसे बाहर। फ्रेंड्स, अभी अंदर हमने आपको पूरा ये बुलंद दरवाजे का अंदर का सीन दिखाया और बाहर का पूरा सीन दिखाया। यह बुलंद दरवाजा है, जैसा ऐसा कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई लगभग 176 या 177 फीट है। कंफर्म तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा ही बोलते हैं। यहाँ के लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि 100, कोई बोल रहा था 176, कोई 177, तो समथिंग इतनी है। और ये आपको इस पूरी सीढ़ियाँ दिखी, ये टोटल 52 सीढ़ियाँ हैं टोटल। और यह पूरा फतेहपुर सीकरी का थोड़ा व्यू है, पूरा आप देख सकते हो पूरी सिटी का व्यू। तो अभी हमने अपनी गाड़ी इधर अपनी पार्किंग में लगाई थी, तो अभी चलते हैं और गाड़ी उठाते हैं, फिर कुछ थोड़ा बहुत खा पी के अभी फिर निकलते हैं घर के लिए।
फाइनली फ्रेंड्स हमने पूरा फतेहपुर सीकरी घुमा और आपको दिखाया, और खाना वाना का कैब फ्री है। अब हम फतेहपुर सीकरी से निकल के अब आ चुके हैं और घर पहुंचने वाले हैं, तो सोचा वीडियो का एंड कर लें। आप बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे व्लॉग लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।